फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम लर्निंग मार्केट विथ कोनूर ट्रेडर दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए और किस तरह से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों अगर आप एक अच्छा ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं और ऑप्शन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको केवल दो चीज़ें करनी है पहला ये करना है कि आपको किसी की भी ऑप्शन बाइंग की एनालिसिस की वीडियो नहीं देखनी है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा कि कल मार्केट नीचे जाएगा मैं आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा उसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे दूसरा ये है कि आपको ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे जो है फॉलो करना है ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट को फॉलो करना है इंडेक्स के चार्ट पे आपको रियल जो स्टॉप लॉस मिल होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा तो मैं जो है निफ्टी और फिन निफ्टी में तीन पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करता हूँ प्रॉफिट हमारा सेटअप देता है और मार्केट हमें देता है बैंक निफ्टी में हमारा छः पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है और तीस पॉइंट का टारगेट रहता है और प्रॉफिट हमें कौन देता है हमारा सेटअप देगा और मार्केट देगा कभी तीस पॉइंट देगा कभी सौ पॉइंट देगा और कभी चौदह सौ पॉइंट भी देगा जैसे कल बी टी एस टी के सेटअप में मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन सेटअप दिया तब तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है ठीक है जैसे ही मार्केट ओपन होती है आपको क्या करना है कॉल और पुट के एक प्रीमियम का चार्ट लगा लेना है ये हमारा है निफ्टी का आज हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड किया था क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पंद्रह सौ पॉइंट डाउन खुल गया था तो वहाँ पर कोई ज़्यादा मोमेंटम मिलने वाली नहीं थी तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था कि फिर निफ्टी में ट्रेड किया था फिर निफ्टी में ट्रेड किया निफ्टी जो है तीन से साढ़े तीन पॉइंट डाउन ओपन हुआ था ठीक है तो हमें क्या करना है सबसे पहले ये हमारा चार्ट है निफ्टी 21,600 की पी में हम लोगों ने ट्रेड किया था तो इसी के चार्ट पे हम लोग सीखेंगे कि हमें किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ठीक तो सबसे पहले हमें क्या करना है जैसे मार्केट ओ ओपन होती है हमें ये जो टू मिनट का टाइम फ्रेम है टू मिनट का टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे किस तरह से बाई करना है इसके हाई को हमें मार करना है जब तक मार्केट अपने टू मिनट की कैंडल या वन मिनट की कैंडल के ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे हाई को जब तक नहीं ब्रेक करेगा मार्केट साइडवेज रहेगा अगर मार्केट हाई को ब्रेक कर देता है तो आपको एक बेहतरीन मोमेंटम देगा ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है हाई को मार करना है और नौ बज के बीस मिनट के बाद ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो नौ बज के बीस मिनट के बाद ही हमें यहाँ पर ट्रेड देखना था इसके बाद क्या होता है मार्केट साइडवेज चली जाती है ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट क्या होती है साइडवेज चली जाती है ठीक है यहाँ पे हमारा ये पैराबोलिक के है ये क्या करता है ये हमें बहुत ही अच्छा बताता है कि मार्केट साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है अगर ये हमारी प्राइस के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट की प्राइस साइडवेज है ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे ठीक है तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड बनता नहीं था हमें वेट करना था कि ये हमारा पैराबोलिक के सार नीचे है और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड किया था अपने हमने टेलीग्राम चैनल में भी दिया है दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाली है इस सेटअप की फुल वीडियो बना के अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर बी टी एस टी किस प्रकार से किया जाता है इसकी भी फुल वीडियो बना के अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से बी टी एस टी किया जाता है जैसा कि कल बी टी एस टी का सेटअप बना था अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपकी स्टडी के लिए चार्ट को पोस्ट करता हूँ जिससे आप लर्न कर सकते हैं सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं ठीक अब दोस्तों जैसे ही हमारा ये बिंदी नीचे आई उसके बाद हमें क्या करना है ग्रीन कैंडल ने अप साइड में क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे हमें तैंतीस के ऊपर बाई करना था ये रेड कैंडल है ठीक है रेड कैंडल है रेड कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल जाती है तो हमें बाई करना था ठीक है और उसके बाद यहाँ से हमारा क्या रहता है तीन पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहता है यानी कि थर्टी टू पे के ऊपर हमें बाई करना है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा ट्वेंटी नाइन के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा ठीक अब ट्वेंटी नाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ से हमें ट्रेड से एग्जिट करना है अगर वीक से जाता है तो हम वेट कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को ठीक तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से मार्केट क्या करती है धीरे 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 सस्टेन करती है हमारे दोनों से उपर ट्रेंड भी ग्रीन होता है और मार्केट एक डिप लगाती है और उसके बाद धीरे 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 करके क्या करती है हमारी थर्टी थ्री की प्राइस के ऊपर चली जाती है अगर आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस ले भी लेते हैं तीन पॉइंट का तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद फिर से मार्केट क्या करती है हमारी बाइंग प्राइस की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में लिखा भी था कि हमें वेट करना है कि थर्टी थ्री के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देते यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया उसके बाद हम यहाँ पे बाई करते हैं हमारा टारगेट रहता है फोर्टी थ्री का लेकिन यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती नहीं है मार्केट वन वीक कहाँ पर जाती है जो टू मिनट की कैंडल का हाई है वन मिनट की कैंडल का हाई है उसके ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे देती है ग्रीन कैंडल उसके बाद ये रेड कैंडल बनती है इसी रेड कैंडल के लोक नीचे हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना था या ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हमें वेट करना था और जब हमें टेन पॉइंट से ज़्यादा मिल जाता है तो हम सेटअप के ऊपर जाते हैं और सेटअप के अनुसार हमें निकलने के लिए यहाँ पे मिला सिक्सटी वन के आसपास मार्केट कहाँ तक जाती है मार्केट एट्टी फोर तक जाती है और हमें निकलने के लिए यहाँ पे कहाँ पर मिलता है सिक्सटी वन के पास तो दोस्तों हम कभी भी बॉटम पे खरीद नहीं सकते हैं और टॉप पे सेल नहीं कर सकते हैं तो दस पॉइंट से जब ज़्यादा मिलता है तो हमें क्या करना है वेट करना है सेटअप का यानी कि जब हमारा दोनों सुपर ट्रेंड में से कोई भी एक रेड बनेगा तो हमें क्या करना है ट्रेड से एग्जिट करना है फिर से हमारा एक ये सेटअप बनता है और ये सेटअप के ऊपर ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया और इसके बाद फिर से हमें इसमें क्या है फिर से इंट्री मिलती है तो यहाँ पे लगभग हमें टेन पॉइंट का टारगेट देखने को मिलता है फिर से वहाँ से मार्केट क्या करती है नीचे आ जाती है ठीक है तो अभी ये पीछे की लाइन को डिलीट कर देते हैं जिससे कि चार्ट जो है क्लियर हो जाएगा और साफ दिखेगा ये हमारा फिफ्टी वन क्या है फिफ्टी वन हमारा फिफ्टी वन फिफ्टी टू क्या है ये टू मिनट की कैंडल का हाई है अब मार्केट की प्राइस इसके ऊपर है तो हमें इसी साइड पर ट्रेड मिलता रहेगा ठीक है कॉल साइड में आज कोई एक सेटअप बना था लेकिन वहाँ पर कुछ ट्रेड मिला नहीं अगर हमने यहाँ पे फिर से बाइंग किया है तो यहाँ पे हमारा सेटअप बना ठीक है ये हमारा सेटअप बना लेकिन रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है ठीक तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड लेना नहीं था फिर से हमें वेट करना फिर से हमारा सेटअप कितने बजे बनता है लगभग दो बज के उन्नीस मिनट पर यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिला रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो हम ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे ठीक तो अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर 50 के ऊपर है 60 के ऊपर है तो हमें क्या करना है यहाँ से हमें 20 पॉइंट का वेट करना है ठीक है 68 से हमें क्या करना है 78, एट एट्टी यहाँ पर एट्टी का पॉइंट मिल जाता है या फिर हम अपने ट्रेड को अगर 10 पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है कोई भी कैंडल क्लोज़ कर देता है हमारे टेन पॉइंट के ऊपर सेवेंटी के ऊपर तो हमें वेट करना है और यहाँ पे भी हमें लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है बीस से पच्चीस पॉइंट का तो इस तरह से दोस्तों हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट का उपयोग करके ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे आप तो आपको एक बेहतरीन स्टॉप लॉस मिलेगा और प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा होगा तो ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ऑप्शन बायर होते हैं वो ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें पे एक परफेक्ट स्टॉप लॉस मिल जाता है इंडेक्स के चार्ट पे कोई भी परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं मिलता है कि कितने पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर जो ऑप्शन बायर होते हैं जो अच्छे ऑप्शन बायर होते हैं वो हमेशा यूज़ करते हैं ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट का दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे किस तरह से की जाती है तीन पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी फिन निफ्टी में टेन पॉइंट टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में छः पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ तीस पॉइंट के टारगेट के साथ किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर आप बी का ट्रेड लेना चाहते हैं बी का जो सेटअप बनता है वो लगभग महीने में दो या तीन बी का सेटअप बनता है बहुत ही अच्छी वीडियो ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे किस तरह से बी का सेटअप बनता है आप लोग जाके देखिए लर्न कीजिए अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हैव अ गुड डे थैंक्स फॉर द लिसनिंग मैसेज एंड थैंक्स फॉर द लिसनिंग सीइंग वीडियो